अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन मसाला, और वो कैसे तैयार होगी उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्याज वो पकने के लिए रख दिए हैं। इनको हम लोगों ने लाइट ब्राउन कलर करना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो सी हमारी आज की रेसिपी है चिकन मसाला वो कैसे तैयार। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो मम्मा, अब हम लोग इसमें क्या लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ना प्याज ब्राउन होने रख दिए थे पहले, मैंने कहा हल्का से ना डार्क ब्राउन हो जाए, डार्क नहीं करने, बस हल्के से करने थे, उससे खुशबू भी हो जाती है, मतलब मसाला भी अच्छा बनता है, जायका भी अच्छा आता है। तो वो बना दिए थे मैंने। अब ये ना मैं लहसुन डालती हूँ, इसमें लहसुन भूनते हैं, इसमें डाल के ना ये देखिए ना मैंने ब्राउन किए हैं हल्के हल्के से। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, अब मैं इसे ना अच्छी तरह ना भून लें इसे डाल के। पाँच मिनट अच्छी तरह भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो विवर, जब हम लोग इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं, अच्छी तरह भून देंगे। अब ये डाल देना, फिर आप प्याज डाल दें, फिर इसमें मुर्गी डाल देंगे, मसाले वगैरह। ठीक है, तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो उसके मसाले वाला चिकन आज हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ये मैंने ना गोल डाल दिया, गोल डाल के ना भूनते हैं ऐसे, फिर मसाले डालते हैं, दही भी डालती हूँ मैं। अब मैं हिलाती हूँ इसे अच्छी तरह ना, फिर भून के ना, हाँ जी भूनते हैं ना, फिर इसे अच्छी तरह भून के ना, तो फिर मसाले वगैरह डाल के दही वगैरह भी डालती हूँ मैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से है वो गल चुके हैं, और उसके बाद मम्मा ने इसके अंदर जो सा चिकन वो ऐड कर दिया है। इसका पानी हम लोग खुश करेंगे, उसके बाद जो से स्पाइसी है वो ऐड करेंगे। स्पाइसी जो से साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि कितने कितने मिकदार में स्पाइसी हम लोगों ने लिए, कौन कौन से स्पाइसी हमें आज की रेसिपी के लिए जो से वो दरकार है। सोना चम्मच हल्दी का डाल दिया, एक चम्मच नमक का, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। आधा चम्मच ज़ीरे का डाल दिया मैंने, एक चम्मच मिर्च का, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे ना अच्छी तरह मैं भून के ना फिर दही डालती हूँ। हाँ जी, अब मैं दही डाल रही हूँ, एक चम्मच, दो, तीन, चार चम्मच। दही के साथ ना जायका अच्छा बन जाता है, मसाला भी बन जाता है ग्रेवी सी। ये देखो अच्छी तरह डाल के ना मैं भूनूंगी इसे। ये देखिए माशाल्लाह कैसी प्यारी रंगत हो गई है इसकी। अब थोड़ा सा और भूनेंगे इसे, पाँच दस मिनट भूनती हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह हमारी भुनी गई है हांडी, घी भी आ गया। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, आप भी अपने हिसाब से डाल देना पानी, भाई ये गोश्त थोड़ा सा ना गल जाए। दस पंद्रह मिनट पका के ना फिर दिखा दे। देखिए हमारी जो आज की रेसिपी है वो फाइनल हो चुकी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें, जी ओके व्यूअर्स, तो लास्ट में हम लोगों ने हरा धनिया और हरी मिर्च जो सी है वो डाल दी हैं, और रेसिपी जो सी हमारी फाइनल होगी। देखिए माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो ये है मसाले वाला चिकन, तो घी भी आ गया है और जो सी हरी मिर्चें हैं और धनिया है हम लोगों ने ऊपर डाला है, उसको गार्निश किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू का तो क्या ही कहना, कितनी ज़बरदस्त आ रही है। क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों ने सालन को भुना होगा उतना ही मज़ेदार जो सा है वो आपका सालन तैयार होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ेदार जो चिकन की रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और आप जल्दी से नान मंगवा के या तंदूरी रोटी के साथ इसको खाएं और हमें दुआएं दें। इस रेसिपी को आप लोगों ने व्यूवर ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है। गोश्त भी गल गया, उसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है कि देख कर ही जो है ना वो भूख जाग रही है। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए मैं तो लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि मुझे मज़ेदार सा सालन है ये खाना और अब मैं मज़ीद और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो व्यूवर्स अगर आप लोग हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें कर सकते हैं। ईद के हवाले से हम लोग ईद की बहुत सी रेसिपी ज़्यादा से शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फर्दर भी करते रहेंगे। कोई ईद के हवाले से आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।